लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 29 नवंबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार, राष्ट्रीय समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देगा नासा। भारत यात्रा पर एजेंसी प्रमुख बिल नेल्सन। चंद्रयान 3 की सफलता की भी दी बधाई। पाठ्यक्रम में CPR प्रशिक्षण शामिल करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कहा यह पूरी तरह शिक्षा नीति का मामला। काशी तमिल संगमम फिर 17 दिसंबर से जुटेंगे कला संस्कृति और संगीत से जुड़े विद्वान। दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधरने पर हटा ग्राप 3, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर लगी रोक हटी। सुरंग हारी, सांस जीती, टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में 400 घंटे बाद में कामयाबी। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, सरकार ने दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत की को दी मंजूरी। आधार अधिनियम के तहत विवाह निजता के अधिकार को निष्प्रभावी नहीं करता है कर्नाटक उच्च न्यायालय। MP राजस्थान और UP में बारिश ने बढ़ाई ठंड, पहाड़ों पर अगले 3 दिन वर्षा बर्फबारी का अलर्ट। समाचार अंतर्राष्ट्रीय। दक्षिणी गाजा में किसी भी जमीनी अभियान से नागरिक विस्थापन को करना चाहिए सीमित, अमेरिका ने इसराइल को दिया सुझाव। पाकिस्तान अदियाला जेल में ही होगी इमरान के विरुद्ध साइबर मामले की सुनवाई, सुरक्षा कारणों की वजह से कोर्ट ने दी थी यह व्यवस्था। इसराइल हमास वार गाजा युद्ध विराम की बड़ी अवधि अब है इजरायली बंधकों के मुक्त होने की उम्मीद। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी चीफ की पत्नी को जहर दिया, अस्पताल में भर्ती। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनाव में हाबियर मिलेई की जीत से चीन के दबदबे वाले गुट ब्रिक्स के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है। समाचार खेल संबंधित। पहले टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश 310/9 महमूदुल हसन का अर्धशतक, न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने छटके 4 विकेट। WFI इलेक्शंस तदर्थ पैनल ने कहा रिटर्निंग अधिकारी बुधवार को WFI चुनाव की तारीख पर ले सकते हैं फैसला। गोल्फ, अदिति ने सत्र का अपना दूसरा यूरोपीय टूर खिताब जीता, दीक्षा 7वें स्थान पर रही। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, पंजाब और हरियाणा के बीच होगा फाइनल मैच, तमिलनाडु कर्नाटक की उम्मीदें टूटी। और समाचार बिजनेस संबंधित। चीन को पछाड़, भारत बनेगा हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास का केंद्र, SNP की रिपोर्ट में किया गया दावा। TCS शेयर बायबैक, टाटा ग्रुप की कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, 1 दिसंबर से शुरू होगा शेयर बायबैक। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा BSE लिस्टेड कंपनियों का MCAP। 331 लाख करोड़ से अधिक हुआ बाजार पूंजीकरण। अमेरिकी चिप निर्माता AMD ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा डिजाइन केंद्र खोला, 3000 लोगों को मिलेगी जॉब। श्रीलंका ने भारतीयों को निशुल्क पर्यटक वीजा देने का किया ऐलान, अन्य 6 देशों को भी मिलेगी सुविधा। फॉक्सकॉन ने भारत में $1.5 अरब निवेश करने का किया ऐलान। और समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।